पानी चला गया तुम्हारे घर का? हाँ सर्वरी, मेरे घर का भी पानी गया है। आ गई लेट करंट। क्या ये सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम बार बार होता है? मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं भी तंग आ गई हूँ। मुझे कपड़े करने हैं, बर्तन पड़े हैं, इतना सब कुछ काम है, और सारा काम पानी के बिना तो होगा नहीं। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी पिछले महीने तो हो गया था ये प्रॉब्लम। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो पानी का बिल भी क्लियर है, कभी लेट भी नहीं करती मैं। क्या फिर से एक बार सबका पानी चला गया? हाँ अभिजीत। ए सर्वरी, तुमको चाहिए पानी? दो ना। 500 रुपए दो। नहीं चाहिए मुझे। कंजूस, सब बहुत प्रॉब्लम है, अपना मजा के हाथ में शुरू करो। ओहो हो, गुस्सा तो देखो एकदम लाल लाल टमाटर हो गई हो। अभिजीत कभी तो सीरियस बना करो। ए जोया, मुझे ऐसे सीरियस लोग बिल्कुल पसंद नहीं यार। जिंदगी हमको एक बार मिली है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ये क्या सीरियस? पागल एक नंबर का। वैसा ही है वो। ए अभिजीत, तेरे घर का पानी गया है? हाँ चाचा जी, मेरे घर का पानी गया है। चाचा जी निशंत का बढ़ता ही जा रहा है। आपकी वजह से हमने उसको सोसाइटी में काम पे रखा, पर अब वो काम बिल्कुल ठीक से नहीं करता। मैं भी पछता रहा उस निशांत को रख के सोसाइटी में। पता नहीं मैंने उसको क्यों लाया एज अ वॉचमैन। मुझे लगा अच्छा काम करेगा, अच्छा लड़का है, पर उसने तो पूरी सोसाइटी की नाक काट दी। पानी तो सबसे मेन चीज होती है और हर महीने उसी का प्रॉब्लम। आने दो, उसको दिखाता हूँ मैं। शर्वरी जी, आपके घर का पानी चला गया? चाचा जी, मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ ना। हाँ तो मेरे घर का भी पानी गया होगा। ए हसमत, मेरे ऊपर हसमत, समझा ना? तुझको क्या लगता है मैं थोड़ा सा हैंडसम हूं तो सब मेरे ऊपर जलते हैं? नहीं सुधरेंगे, बात तो तुमने एकदम बराबर की। क्या बोल रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं चाचा जी, वही बोल रहे थे हम कि आप सच में हैंडसम होते जा रहे हो। सच में मैं हैंडसम हूँ? अभिजीत से भी हैंडसम हूँ मैं? क्या चाचा जी, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? अभिजीत से? ये तो आपके आगे कुछ नहीं है। आप तो बोलिए बोलिए, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, रहने दीजिए। क्या जोया जी, क्या बोल दिया आपने? क्या बात कर रही हो जोया, ये मुझसे हैंडसम है? दिन दहाड़े बुड्ढे की टांग खिंचाई कर रहे, फिर भी उसको पता नहीं चल रहा। वही तो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतना खुद को जवान समझने की क्यों गलती करते हो? अभी तक सुबह वैसी इतनी उम्र हो गई है, ठीक है मान लीजिए ना। नहीं वो एक्सेप्टन एक्सेप्टेंट स्वीकार ही नहीं करते वो, हम बूढ़े हो गए हैं। अभी जोया ने कहा है तो आप सच में मुझसे हैंडसम हो, मुझे तो रोना आ रहा है। रो रो तू रो, उसी के लायक है तू, मैं उस सोसाइटी का हैंडसम हंक। हंक नहीं, जंक है, जंक सोसाइटी का। उसका क्या अर्थ होता है? जंक 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 मीन्स कूड़ा। मस्त नाम दिया है तुमने। ला 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 ला। आ गया। आइए आइए महाराज, आप ही का इंतजार था। निशांत क्या है ये? क्या हुआ? क्या क्या क्या? वहां पे आके एक और चमाट दूं क्या तुझे? पूरी सोसाइटी का पानी गया है, कहा था तू सबके काम यहाँ पे अधूरे है, मैं अब तक नहाया नहीं हूँ और तू गायब है सोसाइटी से, कितने परेशान है सब। फिर से पानी का प्रॉब्लम, अब क्या हो गया? पूरी सोसाइटी का पानी फिर एक बार चला गया है। सोसाइटी में बार बार ऐसा पानी जाता है, बिल्कुल ठीक नहीं लगता वॉचमैन ये। पानी तो सबसे जरूरी चीज होती है। कब तक चलेगा ऐसा? नहीं अच्छा दिखता है। ब्रांडेड सुमित्रा जिस सोसाइटी में रहती है वहाँ का पानी आता ही नहीं। छी, मुझे तो शर्म आती है बताते हुए, मैं ऐसे सोसाइटी में रहती हूँ। कब तक चलेगा ये पानी का प्रॉब्लम? नहीं बोलो ना, अच्छा लगता है ये। बाकी की सोसाइटी देखो, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है इधर बार पानी का। वॉचमैन की है यार? नहीं, हम पूरा सोसाइटी का बिल भरते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, पानी का बिल भरते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल भरते हैं, सब भरते हैं, फिर भी पानी नहीं आता। शर्वरी शांत, वॉचमैन ये क्या है? जब से मैं सोसाइटी में आया हूँ तब से ये पानी का प्रॉब्लम देख रहा हूँ, कब तक चलेगा ऐसा? आप प्लीज एक बार शांत हो जाइए, यहाँ से मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे जाकर देखना पड़ेगा क्या है प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने मोटर तो नहीं लगाई थी, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जब तक मैं वापस देख के नहीं आता तब तक आप प्लीज शांत बैठिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। एंड अगेन आई एम रियली सॉरी। जल्दी आ। संजुला, क्या हुआ आपका? पानी चला गया क्या?
पता नहीं क्यों चला गया है पानी, वही से तो जाता नहीं कभी सुबह, पर आज चला गया है। अयो अभी मेरे को कैसा मैं आऊं बाहर, मैं टॉयलेट में आया था सब कुछ हो गया, पानी नहीं है। अयो अप्पा मैं देखती हूँ, आप कोई चिंता मत कीजिए मैं अभी आती हूँ। जल्दी लाओ पानी। पापा शांत बैठो जरा। शर्मिला जी क्या हुआ संजुला, मुझे को थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, तुम ही हमको दो थोड़ा थोड़ा पानी। क्या बात है जी। किसी के भी घर में पानी नहीं है संजुला, किसी के भी घर में पानी नहीं है। शर्मिला कंट्रोल कंट्रोल, पानी के बिना। अयो ये प्रॉब्लम आज पूरी सोसाइटी में हो गया है, ये तो हर बार होता है सोसाइटी में, आदत पड़ गई है सबको। अभी तुम नहीं हो ना, तुम्हारी पहली बार है, कोई नहीं तुमको भी आदत हो जाएगी, हर महीने पानी का प्रॉब्लम होता ही है सोसाइटी में। संजुला अगर मेरे पास पानी होता तो मैं तुमको जरूर दे देता, पर मेरे पास भी पानी नहीं है। आज हम ठान लेते हैं कि ये पानी की समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। शर्मिला जी कुछ भी कीजिए ना, पर मुझे को थोड़ा सा पानी दीजिए, वो क्या है बहुत अर्जेंट है। कहाँ से ला के दे संजुला पानी, और क्यों चाहिए तुमको पानी? अभी मैं आपको कैसे बताऊँ, एक मिनट हाँ, दरवाजा पैक लगाती। इसके अप्पा तो बड़े डेंजर है। वो दरअसल बात ये हुई कि अप्पा टॉयलेट गए टॉयलेट करने के लिए, सब कुछ हो गया पर पानी चला गया, अब अप्पा कैसे बाहर आएंगे। ठीक है मैं लाती हूँ थोड़ा सा, थैंक यू। पानी लेके नहाओ रे। ससमा रुकी ना। क्या हुआ? वो पानी दीजिए। ए ये मेरा पानी है, मैं नहाने जा रही हूँ, एक तो बड़ी मेहनत से मिला है मुझे। जब पानी आएगा तब नहाना, अभी ये संजुला को चाहिए। ओहो सुंदरम संजुला को, ठीक है ठीक है लेके जा। संजुला के अप्पा को चाहिए। ए रुक, ये ले संजुला। ए बहू झूठ बोल के तूने मुझसे पानी लिया? श्रेया की दादी दे दीजिए ना पानी, वो मेरे अप्पा को बहुत अर्जेंट नीड है इसकी। क्यों चाहिए अप्पा को पानी? बात ये हुई कि वो टॉयलेट में गए, सब कुछ कार्यक्रम हो गया, पर अब पानी ही नहीं है तो कैसे आएंगे वो बाहर। तुम्हारे अप्पा बाथरूम में और उनको टॉयलेट। यो हंसी मत इतना जोर से। ये इतना जोर जोर से कौन हंस रहा है? हंसी मत। अयो संजुला इतना जोर जोर से बाहर कौन हंस रहा है? आप अपना काम करके पहले बाहर तो आइए, बाद में बात करना मुझसे। क्या सीन होगा वो? जो भी हंस रहा था अब मुझसे नहीं बचेगा। अप्पा